हम लोग को 3 साल से बरगलाया जा रहा है कि अब देंगे सिर्फ सातवां चरण, अब देंगे सातवां चरण। मेरे एज भी क्रॉस करने वाला है, खत्म होने लगा, एज भी क्रॉस करने वाला है, कब तक इंतजार करेंगे। वो क्या है ना कि हम लोग 9वीं पास है और वो ग्रेजुएट होकर सीटेट बीटेट पास करके कुर्सी पे बैठे हैं, इसीलिए 9वीं पास गद्दी पे और सीटेट पास और ग्रेजुएशन पीजी सीटेट बीटेट रोड पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, मैं हूँ आपके साथ रोहित। देखिए इस वक्त मौजूद हैं राजधानी पटना के डकबंगला चौराहे पर। आप मेरे पीछे ये जो भीड़ देख रहे हैं, ये सीटेट के अभ्यर्थियों की हुजूम है और सीटेट के अभ्यर्थियों की ये भीड़ है। आप देख सकते हैं ये लोग बीच डकबंगला चौराहे पर ये लोग बैठ गए हैं सड़कों पर और धरना पर बैठ गए और लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये वही सीटेट के अभ्यर्थी हैं जो कि बीते कुछ दिनों पहले सड़कों पर उतरे थे तो एडीएम के द्वारा उन पर लाठियां बरसाई गई थी और वही सीटेट के अभ्यर्थी एक बार फिर से राजधानी पटना की सड़कों पर उतरे हैं और वही जगह पर उतरे हैं जहां पर इन लोगों पे लाठियां बरसाई गई थी। और दूसरी तरफ देख सकते हैं काफ़ी संख्या में प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। जिस तरीके से सीटेट के अभ्यर्थियों की यहाँ पर एक हुजूम जुटी है, एक संख्या पहुँची है, उसके बाद जो प्रशासन है, जो पटना पुलिस है, वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड में नज़र आ रही है और प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। हालांकि आप देख सकते हैं जो भी सीटेट के अभ्यर्थी हैं काफ़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे। देखिए कुछ महिला अभ्यर्थी भी हैं, इन लोगों से भी बातें करेंगे कि वो बीच सड़क पर बैठे। सर, हम लोग को 3 साल से बरगलाया जा रहा है कि अब देंगे सिर्फ सातवां चरण, अब देंगे सातवां चरण। मेरे एज भी क्रॉस करने वाला है, खत्म होने लगा, एज भी क्रॉस करने वाला है, कब तक इंतजार करेंगे। इन लोग वोट पड़ता है तो चुनाव के काउंटिंग के लिए इंतजार नहीं करते हैं। हम तेजस्वी जी बोले थे ना कि इंतजार कीजिए मिलेगा। हाँ, तेजस्वी जी बोले थे कि इंतजार का मजा लीजिए, तो वो आज कुंडली में उनका स्थिति हो गया ना, वो भी इंतजार का मजा लेंगे और आगे भी लेंगे। कुंडली में स्थिति इसीलिए हुआ, इसीलिए हुआ क्योंकि स्टूडेंट को इतना छेड़छाड़ कीजिएगा स्टूडेंट के साथ, तो उनका कहाँ जाएगा। क्या लगता है सड़कों पर उतरे हैं तो आप लोग को न्याय मिलेगा? मिलना चाहिए सर, अगर सरकार जाग जाती है। हम लोग युवा पीढ़ी है सर और आने वाले समय में हम लोग उनका वोट बैंक भी है। अगर उनको लगता है कि इन लोग की नोटिफिकेशन दे देना चाहिए तो जरूर कुछ करेंगे सर, क्योंकि हम लोग को वोट देंगे, हम लोग को विज्ञप्ति देंगे तो हम लोग उन्हीं को वोट देंगे। चलिए, क्यों बैठी है सड़कों पर ये बताइए। आज सरकार हमें सड़कें पे बैठने के लिए मजबूर कर दी है। अगर वो चाहते तो आज हम स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए होते, लेकिन आज उनके वजह से हम लोग रोड पे बैठे हुए हैं। क्यों आप लोग के साथ ऐसा किया जा रहा है, काफी लंबे समय से संघर्ष? और क्या है ना कि हम लोग 9वीं पास है और वो ग्रेजुएट होकर सीटेट बीटेट पास करके कुर्सी पे बैठे हैं, इसीलिए। क्या बोलिए, 9वीं पास? ओ, हम लोग 9वीं पास है और सीटेट बीटेट पास होकर कुर्सी पे बैठे हैं, इसीलिए हम लोग को रोड पे बैठना पड़ रहा है। रोड पे बैठा दिए 9वीं पास गद्दी पे और सीटेट पास और ग्रेजुएशन पीजी सीटेट बीटेट रोड पे। चलिए, अब देख सकते हैं काफी संख्या में जो सीटेट बीटेट के जो पुरुष अभ्यर्थी और महिला अभ्यर्थी हैं वो अब सड़कों पर ही बैठ चुके हैं और इनका कहना है कि इस बार हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, इस बार जो होगा वो हम लोग सरकार को अपने आगे झुका कर जाएंगे। और दूसरी तरफ आपको हम देखिए दिखाएंगे काफ़ी संख्या में जो पुलिस बल है, जो प्रशासन है, काफ़ी संख्या में यहाँ पर प्रशासन भी मौजूद है। और दूसरी तरफ जो सीटेट के अभ्यर्थी हैं जो कि राजधानी पटना के बीच चौराहे पर डकबंगला चौराहे पर ये लोग बैठ चुके हैं और अब इनका साफ कहना है कि इस बार कुछ भी हो जाए अपना हक लेकर जाएंगे। और वहीं उन्होंने साफ साफ कह दिया कि तेजस्वी यादव और जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं वो लोग जानबूझकर हम लोग की जो बहाली है इस हम लोग को जानबूझकर रोका गया है। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अब मेरे साथ जुड़े रहे, तब तक के लिए धन्यवाद।